वेलकम बैक। इस टॉपिक में हम लोग हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर देखेंगे। सो देखो, ये रहा अपना वाटर का एक बीकर, ये रहा अपना एक वाटर का बीकर। आपने इसमें क्या किया? सोप ऐड किया। इसमें भी आपने सोप ऐड किया। अगर सोप ऐड करने से, देखो सोप ऐड करने से क्या होता है, लैदर प्रोड्यूस होता है, फोम प्रोड्यूस होता है ना, हम लोग हिंदी में झाग बोलते हैं। अगर झाग सफिशियंट प्रोड्यूस होता है, बढ़िया प्रोड्यूस होता है, ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, तो उसको हम लोग सॉफ्ट वाटर बोलते हैं। तो लेट से यहाँ पर बहुत सारा झाग प्रोड्यूस हुआ, बहुत झाग प्रोड्यूस हो गया, तो दिस विल बी कॉल्ड व्हाट? सॉफ्ट वाटर। और लेट से यहां पर बहुत कम झाग प्रोड्यूस होता है, बहुत कम हुआ, थोड़ा सा हुआ है, और बाकी जो सोप है वो फोम प्रोड्यूस नहीं करता है, लादर प्रोड्यूस नहीं करता, वो नीचे यहां पर प्रेसिपिटेट हो जाता है। देन दिस विल बी कॉल्ड आवर हार्ड वाटर। क्या कहेंगे इसको? हार्ड वाटर। तो व्हाट इज सॉफ्ट वाटर? वाटर विच प्रोड्यूसेस इनफ लादर With soap, will be called soft water. और कम प्रोड्यूस होगा तो उसको बोलेंगे हार्ड वाटर। अब हम लोग देखेंगे हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर के बीच में केमिकली डिफरेंस क्या है। ये तो फिजिकली है ना। सो देखो, हार्ड वाटर, अगर वाटर हार्ड है तो उसके अंदर कौन होगा? कैल्शियम आयन होगा, या फिर मैग्नीशियम आयन होगा, या फिर दोनों हो सकते हैं। ये अकेला हो तो भी हार्ड, ये अकेला हो तो भी हार्ड, दोनों एक साथ हो जाए तो भी हार्ड वाटर कहलाएंगे। अब ये लोग ऐसा क्या करते हैं कि फोम प्रोड्यूस नहीं होता है? ठीक है, ठीक है। उससे पहले सॉफ्ट वाटर में क्या होगा? कैल्शियम 2+ एबसेंट होगा, कैल्शियम 2+ नहीं होना चाहिए, मैग्नीशियम 2+ भी नहीं होगा। मतलब सॉफ्ट वाटर डू नॉट हैव कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस इन देम। हार्ड वाटर विल हैव आइदर कैल्शियम, मैग्नीशियम और बोथ ऑफ देम। ठीक है, अब इतना होने के बाद अब देखते हैं कि ऐसा क्या किए ये दोनों कि सोप जो है फोम प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। सो देखो, सोप का मॉलिक्यूल क्या होता है? कार्बन का लंबा चेन होगा, बहुत लंबा चेन होगा, 17 कार्बन का चेन होगा। उसके बाद यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप होगा, एसिडिक फंक्शनल ग्रुप, और ये सॉल्ट के फॉर्म में होगा। ये अपना लॉन्ग चेन होता है। देखो, ये तो क्लास 10th में पढ़े थे ना, सोप पार्टिकल में एक तरफ लॉन्ग चेन होता है और यहाँ पर सॉल्ट होता है सोडियम का एसिड के साथ। ठीक है, दिस इज माई सोप मॉलिक्यूल। ये करते क्या है? ये लोग फोम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फोम कौन प्रोड्यूस करता है? ये करता है। तो देखो, इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा, कैपिटल एस सी डबल बॉन्ड ओ माइनस एन ए प्लस। ये सोप पार्टिकल मेरा एक है, दिस इज माई वन सोप पार्टिकल। अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस होते हैं तो ये सोप पार्टिकल्स फोम नहीं बना पाता है। क्यों नहीं बना पाता है? क्योंकि कैल्शियम आयन इसके साथ मिलकर प्रेसिपिटेट क्रिएट करेगा। देखो, ऐसे एस सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, एस सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, और यहाँ सी ए 2+। अब ये करता क्या है? ये फोम नहीं करेगा, ये प्रेसिपिटेट बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रेसिपिटेट। इसका एक और नाम दिया गया है, स्कम बोलते हैं। यही काम मैग्नीशियम भी करेगा, मैग्नीशियम भी यहां आकर प्रेसिपिटेट बनाएगा दो सोप पार्टिकल के साथ। तो आप बोलेंगे क्यों हार्ड वाटर रहता है इसे? बोलेंगे कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस produces precipitate with soap molecules. As a result,
सफिशियंट लैदर इज नॉट प्रोड्यूस। लैदर का मैं स्पेलिंग लिख लेता हूँ LATHER, जो हिंदी में हम लोग झाग बोलते आते हैं, ठीक है इसको। तो ये हो जाएगा रीजन। क्या रीजन? प्रेसिपिटेट बनाएगा। कौन बनाएगा? कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन। किसके साथ? सोप के पार्टिकल के साथ, ठीक है। अब देखो, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन अकेले तो आएंगे नहीं। देखो, जहाँ भी आयन कटायन होगा ना, उसका अनायन होगा, आसपास होना चाहिए उसका अनायन। कटायन ऐसे ही कहीं नहीं मिल जाएगा आपको, आसपास कहीं ना कहीं उसका अनायन होगा। तो इस कार्बन कैल्शियम का अनायन कौन हो सकता है? बहुत लोग हो सकते हैं। इसका भी कौन हो सकता है? बहुत लोग हो सकते हैं। लेट्स से, अगर कैल्शियम का आयन बाइकार्बोनेट है। क्या है? बाइकार्बोनेट। और मैग्नीशियम का भी आयन बाइकार्बोनेट है। ये हो सकता है। अभी आयन बता देते हैं, ठीक है, उसके बाद देखते हैं। कैल्शियम का यहाँ कौन है? बाइकार्बोनेट। मैग्नीशियम का कौन है यहाँ? बाइकार्बोनेट। लेट्स से कैल्शियम का आयन जो है, अनायन क्लोराइड है, मैग्नीशियम का भी क्लोराइड है, और क्या हो सकता है? सल्फेट भी हो सकता है ना, मैग्नीशियम का भी सल्फेट है। तो देखो, अगर कैल्शियम इस तरीके से प्रेजेंट है, देन दिस विल बी कॉल्ड टेम्पररी हार्ड, दिस विल बी कॉल्ड टेम्पररी हार्डनेस। ये क्यों कहते हैं सब एक्सप्लेन करेंगे, अभी समझिए। कैसे प्रेजेंट है? एज बाइकार्बोनेट, देन दिस इज टेम्पररी हार्डनेस। अगर इस तरीके से है तो पता क्या बोलेंगे? परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस। समझ में आ रहा है? सिंपल है, फिर से कर देते। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, व्हाट इज दिस? दिस इज टेम्पररी हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस। अगर कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, देन दिस विल बी कॉल्ड परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। डिटेल में हम लोग इसको अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो अभी समझ में आ गया हार्डनेस क्या है, टेम्पररी हार्डनेस क्या है और परमानेंट हार्डनेस क्या है। और ये भी समझ में आ गया लैदर क्यों प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग टेम्पररी और परमानेंट हार्डनेस को डिटेल में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।